सरकार के हैं कि आइए कागज लेके कौन मरा है कौन बचा है देखते हैं। बस 400 रुपया देते हैं बूढ़ा बूढ़ी के संख्या में नहीं बचेंगे तो सरकार के बचेगा पैसा। 400 रुपए की है बुजुर्गों की जिंदगी। पेंशन बंद होने के बाद परेशान है बूढ़े बुजुर्ग। सुबह से शाम तक बड़ी शीतलहरी में प्रखंड कार्यालयों में लगी है बुजुर्गों की लंबी कतारें। सरकार पेंशन के नाम पर बुजुर्गों की जिंदगी लेने पर तुली है या फिर कुछ और। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार में कई जिलों के कई प्रखंड कार्यालयों में बूढ़े बुजुर्गों की लंबी कतार सुबह 9 बजे से लगती है और यह कतार सिर्फ इसलिए है कि पेंशनधारियों को अपना पेंशन लेना है, क्योंकि सरकार ने बुजुर्गों का और विकलांगों का पेंशन बंद कर दिया है और सूचना जारी किया है कि 31 दिसंबर तक सभी पेंशनधारी KYC करके पेंशन को अपडेट करें। सूचना तो जारी कर दिया गया है लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं। आप जो ये तस्वीर में लंबी कतार देख रहे हैं, ये लाइन बता रहे हैं कि इस अवस्था में जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकते वे व्यक्ति घंटों से अपने पेंशन को पाने के लिए लाइन में लगा है। यह तस्वीर बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय की है जहां पुरुष के साथ साथ महिलाओं की भी लंबी कतार लगी है और पेंशनधारियों का कहना है कि इनका पेंशन बंद कर दिया गया है और ये सुबह से ही लाइन में लगे हैं, लेकिन फिर भी इनका काम नहीं हो रहा है और ये लगातार 2-3 दिनों से आ रहे हैं और ये भी कहना है इनका कि वसुधा केंद्रों पर भी कार्य नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भी लिंक फेल है। अब सरकार ये बताए कि अगर वसुधा केंद्र में लिंक फेल है तो प्रखंड कार्यालय में उचित व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही, अत्यधिक काउंटर क्यों नहीं बनाए जा रहे जिससे इन बुजुर्गों की परेशानी दूर की जा सके। सरकार के अनुसार कुल 28 दिसंबर को एक निर्देश जारी किया गया जिसमें बताया गया कि 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी पार्क और उत्थान बंद रहेंगे। वजह कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर। तो क्या इस वक्त जो प्रखंड कार्यालय में तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, क्या इस स्थिति में कोरोना दस्तक नहीं दे सकता है या फिर बुजुर्गों को इस ठंड के वजह से कुछ हो गया है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी या फिर माननीय मुख्यमंत्री? दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आपको जहां पर प्रखंड कार्यालय के अंदर जो बैठा कर्मचारी है उन्होंने सरकार के नियमों का पालन करना छोड़ दिया, यानी कि उनके चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा। जब कर्मचारी ही मास्क का उपयोग नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे करेगी, और ऐसे में आए दिन अधिकारियों के द्वारा राह चलते राहगीरों का मास्क के नाम पर 50 रुपए का चालान काटा जा रहा है, तो इन कर्मचारियों का आखिर क्यों नहीं? सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन आइडिया सिटी न्यूज बिहार के तमाम अधिकारियों से निवेदन करता है कि सभी प्रखंड कार्यालयों में ज्यादा से ज्यादा काउंटर लगाएं ताकि परेशान बुजुर्गों की समस्या दूर हो सके और कुछ बड़ी अनहोनी होने से बचा जा सके। सरकार के है कि आइए कागज लेके कौन मरा है कौन बचा है देखते हैं। बस 400 रुपया देते हैं बूढ़ा बूढ़ी के। तो ठंडी में आप आए लाइन लगने के लिए, आप बचिएगा तब ना पेंशन मिलेगा। नहीं बचेंगे तो सरकार के बचेगा पैसा। तो परेशानी हो रहा है? परेशानी नहीं है। कितना घंटा से कर रहा है? सवेरे ही से है, 8 बजे से। आनंद किस काम के लिए है? प्राइवेट ऑफिस। कितना देर से लाइन में लगा? ढेर देर से लगा रही, 8 बजे से। खाना ना खा ले? हाँ खाना खा ले। ठंड भी ठंड लग रहा है? ठंडा के बीमार आदमी है ये, अभी तक नहीं हुआ है। ये नाम है तुल्ला पास। जब प्रिंसिपल जो बंद है जब चालू कराने आए। अच्छा, कितना देर से लाइन में? विधा पेंशन तो बसदा केंद्र भी बंद रहा था। नहीं, 9:30 बजे से 2 महीना से बंद है। अच्छा, 9 बजे इसलिए। कितने बजे सुबह लगे हैं आप लोग? 9 बजे से लगे। 9 बजे से लगे, अभी तक हुआ नहीं है। बसुधा केंद्र में हो रहा है कि नहीं? नहीं, साइबर कैम में भी गया तो दिक्कत परेशानी हो रहा है। बहुत परेशानी, विकलांग है। विकलांग पेंशन जो होता है ना सर, वो नहीं मिल रहा था 2-3 महीना से। तो फिर बीच में ऑप्शन आया कि सर आधार और बैंक का अकाउंट नंबर फिर विभाजन हो रहा है,
तो हम लोग लाइन में लगे हैं 9:30-9:30 से। यही तक हुआ है? नहीं नहीं, अभी अभी तो लाइन में है, 9:30 से हैं अभी तक खड़ी। क्या नाम है? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ, हम मुरौरा पंचायत।